सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमने अभी तक कंप्लीट किया है 8 लेक्चर तक, उनके उनसे रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि अपना जो कंसेप्ट है वो थोड़ा और अच्छे से डेवलप कर जाए। उम्मीद है कि अभी तक के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आप बने रहें वीडियो के साथ, आपको आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, उसके बाद आप आंसर मैच करें या फिर सॉल्यूशन चेक करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द टर्म इन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है विच हैज सेम पावर ऑफ ए एंड बी। मतलब कि जब हम इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो जो टर्म होगा कौन सा वाले टर्म पे ए और बी का पावर सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन, मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, कोफिशियंट बताए, टर्म बताने वाला। तो इसके लिए क्या करते क्या है, पहला स्टेप कि जो जनरल टर्म है उसको लिख लिया, टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा 21 CR। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है, ए बाई रूट बी क्यूब रूट, फिर डिफरेंस देंगे 21 माइनस आर, और फिर सेकेंड टर्म पे तो बी ए क्यूब का पावर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताना है कि कौन सा वाला टर्म में ए और बी का पावर सेम होगा। तो पहले तो यहाँ से थोड़ा सा ओपन करो ए और बी को, कर लेते हैं। ठीक, तो कितना आया देखिएगा, ए का पावर 1/3 और पहले से क्या है 21 माइनस आर, 21 माइनस आर बटे 3 आ गया। ठीक, अब यहां से ए कितना आएगा, 1/3, 1/2, तो 1/6, r/6, तो ए का पावर कितना, और r/6 नीचे में आया है, ऊपर ले गए तो माइनस r/6 लिखे। मतलब यहां तो ए नीचे है ना, तो ए को ऊपर ले गए तो पावर माइनस लगा दिया। अब बी के पास आते हैं, बी के पास तो 21 माइनस आर, 1/2, 1/3, तो 1/6, तो माइनस टाइम्स 21 माइनस आर बटे 6। ठीक है, और फिर यहां से बी कितना आ गया, पावर आर आ गया, आर बाई टू आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए 7/3 माइनस r/3 माइनस ऑफ r/6। ठीक है, और बी पे कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स 21/6 मतलब 7/2, 2 3, हाँ, और प्लस r/6 इन, और यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस r/2, तो माइनस कॉमन लिया तो r/3 प्लस r/6, तो कितना हो जाएगा, 2 2 r 3 r/6, तो r/2, a का पावर 7/3 माइनस ऑफ r/2 इंटू कितना आएगा b के ऊपर, इन दोनों को ऐड किया तो एलसीएम हो जाएगा 6 3 r प्लस आर 4 r/6, तो 2 r/3, तो माइनस ऑफ 7/2 इन प्लस 2 r/3। अब बताना है कि कौन सा वाले टर्म में a और b का जो पावर है वो सेम है, तो दोनों जो पावर है उसको इक्वेट करते हैं, यहां से अपने को r की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं पावर इक्वेट, कितना है, एक जगह से आया 7/3 माइनस r/2, 7/3 है ना, नहीं 21, तो ये तो 7 हो जाएगा, सॉरी 21/3 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 माइनस r/2, और इसको इक्वेट किया किससे, माइनस 7/2 प्लस 2 r/3, मतलब कि 2 r/3 माइनस ऑफ 7/2, तो 7 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 2 r/3 प्लस r/2, तो 14 प्लस 7 21/2, और यहाँ से एलसीएम हो गया 6, तो 4 r और प्लस 3 3 r। ठीक है ना, तो 21 × 6/2 इक्वल्स टू 7 r, तो 2 3 जा और 7 3 जा, यानी कि r इक्वल्स टू 9, तो r इक्वल्स टू 9 पुट करने पे कौन सा वा टर्म मिलेगा, तो 10वां टर्म, तो t10। इसका आंसर क्या होगा, t10, 10वें टर्म का ए और बी का पावर जो है वो सेम होगा, 10वें टर्म में ए और बी का पावर जो है वो सेम होगा। तो इसको आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है अपने को इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू एन। देखिए
दिया हुआ क्या है, इस बार क्या है कि अंदर में तीन टर्म है, हमने तो पढ़ाया दो टर्म के लिए, x प्लस वाई का होल पावर n है, तो हम कहते थे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n प्लस वन, यहाँ तो क्या है तीन टर्म है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि ए बी सी की जगह पे वो कोई भी अलग टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम होगा। देखिए इसमें हम करते क्या है कि इसको हमने दो टर्म की तरह ट्रीट किया, कैसे, तो इस b प्लस सी को तो हमने एक टर्म बना दिया, कैसे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल पावर n, क्या लिख दिया हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल पावर n, इसको हमने एक टर्म की तरह ट्रीट किया और इसको एक टर्म की तरह ट्रीट किया। अब जरा इसको हम ओपन करते तो क्या आएगा, पहले क्या आ जाएगा बताइए, a का पावर n प्लस एन सी वन ए का पावर एन प्लस एन सी वन, ए का पावर कितना एन माइनस वन इंटू सेकेंड टर्म क्या है यहां पर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का होल पावर वन, क्लियर है, प्लस नेक्स्ट टर्म पे आते हैं तो एन सी टू ए का पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस सी का इस बार क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थर्ड टर्म पे आते हैं, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा एन सी थ्री ए का पावर कितना n माइनस थ्री इंटू बी प्लस सी का होल पावर थ्री, ऐसे अगर हम टर्म लिखेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे एन सी एन ए का पावर n माइनस एन यानी कि जीरो इंटू बी प्लस सी का होल पावर कितना n हो गया। अब देखिए यहां पे एक टर्म इसमें b प्लस सी है, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे एन सी वन इंटू ए पावर एन माइनस वन, ये एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक बार सी से मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिला के नेट यहाँ पे कितना टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, ठीक। इसमें आइए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें सिर्फ बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कुल मिला के तीन टर्म होंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी। अब ये बारी बारी से तीनों से मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी से तीनों से मल्टीप्लाई होगा एक प्लस के साथ, तो ये पूरा नेट क्या देगा तीन टर्म, पूरा नेट क्या देगा तीन टर्म, तो वैसे ही ये कितना देगा फिर चार टर्म, उसके बाद पांच टर्म, तो ये कितना देगा लास्ट में एन है यहाँ पे पावर, तो ये एन प्लस वन आएगा, पावर एन है तो कितना आएगा एन प्लस वन, तो कुल मिला के एन प्लस वन टर्म आएगा। तो पूछा क्या गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, ऐसे करें कहां तक n प्लस वन तक, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, ऐसे करें कहां तक गए हम n प्लस वन तक गए। तो आपको याद होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, अगर n टर्म तक हम ऐड करते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो हम क्या लिखते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखते हैं, लेकिन यहां पे क्या है n प्लस वन है, तो क्या हो जाएगा n प्लस वन प्लस n प्लस टू बाई टू, ठीक है, यही मेरा क्या हो गया नेट आंसर हो गया। और आपको ये पैटर्न याद रखना है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ताकि आगे चल के अगर ऐसा कुछ मिला तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, अदरवाइज हम इस प्रोसेस पे भी काम कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो, ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपेंशन ऑफ वाई का पावर 1 बाई फाइव प्लस एक्स का पावर 1 बाई टेन का होल पावर 55। मतलब कि अपने को ये बताना है कि भाई इस एक्सपेंशन में मतलब कितने टर्म होंगे, इसमें 56 टर्म में कितने टर्म का जो पावर है वो रेडिकल से फ्री है, मतलब कि उसमें ये 1 बाई रूट रूट टाइप की चीज़ें नहीं आ रही है, या फ्रैक्शन फ्रैक्शन में पावर नहीं आ रहा है, पावर क्या आ रहा है सिंपल इंटीजर आ रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली मेंस में ही पूछा गया है, तो इसमें हम करते क्या है, सिंपली आप देख लो, इसको हम ले चलो 1 बाई 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मूले के ऊपर, तो किसी एक को बाहर निकाल लिया, तो मान लिया हम y पावर y 1 बाई फाइव कॉमन लेते हैं, तो कितना आ जाएगा y 1 बाई फाइव और होल पावर 55, ठीक है, इतना बाहर आ गया, बच क्या गया 1 प्लस एक्स का होल पावर 1 बाई टेन अपॉन y का होल पावर 1 बाई फाइव का नेट पावर कितना 55, तो ये कितना हो गया y पावर 11 इंटू वन प्लस एक्स का पावर 1 बाई टेन इंटू वाई का पावर 1 बाई फाइव का होल पावर 55। अब इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो टी
आर प्लस वन क्या लिखेंगे हम इस वाले के लिए, तो 55 सी आर इंटू एक्स 1/10 वाई 1/5 का होल पावर आर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 55 सी आर एक्स का पावर कितना आर 10 एंड वाई का पावर कितना आर 5। अब देखिए अगर पावर में से ये हटाना है r बाई टेन, अगर पावर को इंटीजर करना है तो r अपने को क्या रखना पड़ेगा, r अपने को ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो 10 से भी कटता हो एंड 5 से भी कटता हो, मतलब 5 और 10 दोनों का मल्टीपल हो, 5 और 10 दोनों का मल्टीपल हो। तो मान लिया r 0 से लेकर के 55 तक में ऐसा ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो 5 और 10 से कटता हो, तो कौन कौन सा हो जाएगा भाई, 10 20 30 40 50, इसके अलावा कोई टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना अगर पावर में रखेंगे तो ये क्या आएगा, हमेशा रेडिकल से फ्री आएगा, तो कुल मिलाकर टर्म कितना हो गया, अच्छा एक और क्या है रखने पे, जीरो भी रखने पे हो जाएगा, जीरो रखने पे, तो कुल मिलाकर टर्म कितने हो गए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पाँच टर्म, छः टर्म। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, 6 टर्म्स, क्या लिखेंगे, 6 टर्म्स, ठीक है, नोट कीजिए।